इस कम बखत हो रहे थे मेरे बेलना मारा भी कहाँ गए थे बेलना अब कहाँ गए तुम्हारे बेलना कितनी सीधी पन की बात मैं फटाफट बस पहले फोन निकाला बेलना गायब देख रहे हो मेरी पत्नी को कितनी तमीज है आप देख सकते हो ये देखो चाय वाले फ्राई पैन में चावल बना रही बताओ ये कोई तरीका है घर में बर्तन खत्म हो गए बताओ घर में बर्तन खत्म हो गया धोने में दिक्कत हो रही तुम्हें बर्तन नहीं है या कुकर में हाथ डाल के बड़े बड़े बर्तन है छोटे हेलो गाइस वेलकम टू चैनल मिशन में सुलुजा ब्लॉग तो गाइस आज भारी आवाज से काम चलाना पड़ेगा आप 9:30 हो रहे हैं सुबह के क्योंकि गाइस कोल्ड था काफ़ी दिनों से हमारे ऐसी कोल्ड कोल्ड चला था थोड़ा बिजी भी चल रहे थे तो व्लॉग नहीं बना पाए 2-4 दिन से तो आज से फिर वापस कंटिन्यू करें आज तबीयत ठीक है मेरी भी कोल्ड ठीक है और उसका भी कोल्ड ठीक है बट गला ज़रूर ख़राब है क्योंकि रात को शो था तो रात को 1 बजे आना हुआ शो से ऊपर से गले की तो बैंड बजती है ना भाई ये शिवानी उठ चुकी है ये सुबह सुबह मेकअप करके बैठी है कह रही है आज ब्लॉग बनाना आज तो मैं तैयार हो जाऊँ वरना इसके तो झुंडे उजड़े रहते हैं कैसे हो गाइस को बता दो इतने दिनों बाद मिल रहे हो तुम बढ़िया एकदम मस्त इधर देख के बताओ बढ़िया एकदम गाइस देखो देखो सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के इसने आधा घंटा कंघी करके फिर आई है कि ब्लॉग में अच्छी दिखो इतने दिनों बाद में मतलब होता ना कि मैं उजड़ा हुआ फकीर ना देखो कंघी मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं रात बाल धोए थे मैं ऐसी सो गई बाल जूड़ा बना के कंघी नहीं करी वो तो तू है ही दलिदर ऐसे ही सोया थी बाल बाल बना फिर कहती मेरे मेरे गुंजल पड़ गए बाल में बाल में यार इतनी यार 2 बजे सोए इंतजार करते करते मुझे गुस्सा आता मैं सो हां तो इंतजार करते करते जब हम 1-1.5 बजे सोते हैं ठीक है तो मैं तो लेट आया हूँ चलो मेरी तो गाइस मजबूरी थी मैं शो पे गया था पीछे से गुंजल उतार सकती थी कंघी नहीं कर सकती थी ये तो बस बहाने होते और कुछ नहीं होता ठीक है थक जाती हूं और एक ये चुड़ैल को सुबह सुबह 8 बजे से चाय बनाने बोल दो चाय बना दो 9:30 बजा दिए चाय बनाते हुए रहने दो पहले से कंघी करनी है पहले से सब कुछ करो फिर तो कह रही तो मेरे को पहले कॉफी ला के दो मैं कहा कॉफी मैं नहीं ला सकता तो देखो चाय नहीं मिलेगी भाई सीधी से बात है अगर तुम चाय नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें कॉफी नहीं ला के दे सकता हाँ तो इसीलिए नहीं ला के दी पहले चाय दोगे फिर कॉफी ला के दूंगा नहीं तो ये क्या है कॉफी नहीं थी तो ये क्या है ग्रीन टी ग्रीन अभी क्यों अभी क्या बोलने वाले थे ये गाइस ग्रीन टी है मेरी ओ सॉरी ग्रीन टी है शिवानी की सब पिएगी मैं चाय पी लूँ मेरी चाय आ चुकी है और चीकू भी मारा उठ चुका है चीकू ओए की हाल ने ये भी रात को ये ऐसे ये सारा दिन भर ये सोता रहेगा पूरा दिन भर सोता रहेगा रात को बस सोती रहेगी हाँ दिन भर सोती रहेगी बस और रात को जब हमने सोना होता है तो ये कूदने लग जाएगी फिर कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर कभी मेरे पे आके कान में मऊ मऊ करेगी कभी उसके कान में मऊ मऊ है ना ये भी ऐसी है तसल्ली बाज हमारी जैसी बनोगी पक्का बर्तन धुल गया बर्तन धुल गया तो चाय पी ले अब तो पी लो ना मैं पी लूं जब तू अपना वो तुम भी तो पी लो ग्रीन टी नखरे तो कम ही मारो तुम बस रहने दो डब्बा मत तोड़ दियो कोई दिवाली है तो नहीं ले आएंगे सारी चीजें नहीं तो मैं बीवी नहीं ले आऊँ मेरे को कोई नई बीवी दे मैं बीवी नहीं ले आऊंगा दिवाली पे पटाखा नहीं नया पति नए पटाखे बजाएंगे तो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद गाइस सॉरी मैं दोबारा आया हूँ इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए गाइस मेरे को ना रोज ये वर्त वाली मट्ठी नहीं है करवा चौथ से मैं फीकी मट्ठी लेके आया था रोज मेरे को ये वाली मट्ठी पकड़ा देती है फीकी वाली मट्ठी मैं ना इसके साथ लाया था पापड़ी वाली मट्ठी जो होती है प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ घर में मट्ठी गायब भी होगी मेरे को कह रही खत्म होगी आज मैंने पूछा कह रही मैंने अपने लिए बचा के रखी मैं फीकी मट्ठी नहीं खाती दांत क्यों काट रहे हो ये है आजकल के बीवियों के बीवी क्या होते हैं भाई पतियों को मुंह का निवाला भी मतलब दे देते कि नहीं तो तुम खा लो और तुम देखो मट्ठियाँ छुपा के रखी है इसमें निवाला भी छीन लेते हो जब खुद को खाना था कुछ भी मैं तो कुछ छीना नहीं अरे मैं मट्ठियाँ खाने के लिए अभी गुलाब जामुन खाए 2-3 दिन पहले मेरे का थोड़ा सा दे दो एक बाइट पूरा मुंह में दे लिया इतना सा दिया तो एक बाइट गाइस बोलो एक बाइट तो मैंने एक बाइट उतना दिया एक बाइट उतना होता है तो तुम्हारा मुंह भी तो छोटा है तो इतना ही सही तो दूंगा मेरी कैची जैसी जुबान तो इतनी बड़ी है हाँ तो तुम्हारी भी तो बड़ी है जुबान मुंह के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी है मैं तो ये सोच रहा हूँ मुंह में से बाहर कैसे आई थी तुम्हारी जुबान इसका ये हाल है मट्ठी मट्ठी अब मट्ठी लेके आओ मैं खाऊ मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मट्ठी में तो गाय सुबह के बज चुके हैं 10:10 तो बिल्कुल सही बोले 10:10 बज रहे हैं और शिवानी नाश्ता बना रही है क्या बना रही है नाश्ते में मेरे का उल्लू मेथी के पराठे गाय कल भी मेथी के पराठे गए थे आज भी मेथी के पराठे खाने पड़े मतलब
जब तक मेथी नहीं खत्म होगी तब तक ये है कि मेरे को खाने पड़ेंगे, खुद तो खाते नहीं, खुद मेरे फेवरेट है पर मैं नहीं खाती। रहने दो, तुम्हारे फेवरेट नहीं, बस तुम्हारी आदत है। एक सब्जी बना लेगी बस, जब तक सब्जी नहीं खत्म होगी मेरे को खाने पड़ती, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम ये करना पड़ता। बताओ क्या कर सकते हैं, ऐसे होता मेरे साथ। एक मिनट, तू कॉपीराइट आ जाएगा यार। तो ऐसे 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम मेरे को ही खाने पड़ते। ये देखो ये कैसे बैठा हुआ चीकू, ये देखो ये खा पी के बैठा हुआ नाश्ता करके सुबह का। इसने नाश्ते में खाया अंडा एग बॉइल्ड, और इसने खिलाया इसको, खा नहीं रही थी इसे, पकड़ पकड़ के खिलाया इसको ढक्के से, है ना। तो भाई ये परौंठे बना लेते यार, मेरे को परौंठे खाने, खा ले तो क्या करूं भैया, मेरे को तो 4-5 बार खाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। देखो धीरे धीरे भाई गाली निकालने लगी थी, रुक के कह रही दिमाग की माँ बहन एक करना करो, ये बोलने वाली थी, अब कह रही ऐसी तैसी पे आ गई, मेरे को माँ सुन गया था, ठीक है सबको पता है। तो तुम कहते हो मैं गालियाँ देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, नहीं 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 तो तुम नहीं नहीं माँ बहन एक बात नहीं है, माँ बहन है। अब दिखाओ ना अपनी शक्ल, अब क्यों छुपा रहे हो, दिखाओ ना ये शक्ल, पता तो चले जरा कितने बदतमीज हो तुम। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 1 और मैं फाइनली नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। अभी लस्सी लुस्सी लेके आया हूँ क्योंकि आज पूड़ी छोले बन रहे हैं, और आज धनतेरस भी है, हैप्पी धनतेरस आप सबको। तो पूड़ी छोले बन रहे हैं, तुम्हारे साथ में रहता हूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। और ये वापस लिपस्टिक ला रही, देखा मैं नहा धो के तैयार हो गया, ये ऐसी बेचारी लिपस्टिक लगा लगा के काम चला रही है, लिपस्टिक लगा लगा के काम चला रही है। कब नहाया तुमने? अभी नहाई हूं। अच्छा चलो ठीक है, इधर दिखाने जरा, आपको लगता है शक्ल देखे नहाई है? हाँ लिपस्टिक लगा से ये नहीं होता कि नहाई, रहने दो तुम, रहने दो, नहाई है ये, और कुछ ना नहाया। तो गाइस घर की सफाइयाँ हो चुकी हैं हमारी, हम कर रहे थे पहले अपने सफाइयाँ करी घर की, मैंने करी, मैंने शिवानी बेचारी ने पंखा भी खुद चढ़ के साफ करा है, मैंने करा ही नहीं, इसको खुद ही करना पड़ा पंखा भी साफ, जाले भी इसने खुद ही उतारे चढ़ चढ़ के आदमियों की तरह। देख रहे हो मेरी पत्नी को कितनी तमीज है, आप देख सकते हो। ये देखो चाय वाले फ्राई पैन में चावल बना रही, बताओ ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है? घर में बर्तन खत्म हो गए, बताओ घर में बर्तन खत्म हो गए या धोने में दिक्कत हो रही तुम्हें? बर्तन नहीं है या कुकर में हाथ डाल के? बड़े बड़े बर्तन है, छोटे। अच्छा दिखा दो भाई, गाइस रुको दिखाता हूँ, प्लास्टिक के दिखाना, दिखाओ मैं देखो दिखाओ, प्लास्टिक के लिए यार, इसकी बात कर रहा हूँ। तो कुकर में बना लो, चाय वाले फ्राई पैन में कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ, कुछ भी बनाने लग जाएगी, मैं वो करती हूँ, कोई नहीं करता। जो बर्तन किसमें यूज करते ना उसमें यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि चाय तुम कढ़ाई में बना रहे हो और चावल तुम फ्राई पैन में बना रहे हो। तो भाई हमारा रायता तैयार हो रहा है, और रायता नहीं मतलब छाछ बोल सकते हैं, रायता ही हो रहा है, रायता होता है गाढ़ा, जो पंजाबियों बने थोड़ी गढ़ता ही से, ना कि पतली छाछ से मसाले वाली से रायता बनाता। हाँ तो तुम तो फिर वो ही यूपी वाली साइड के, तुम्हें तो हो गई पसंद। पूड़ियाँ बनाओ जल्दी से, मेरे को लग रही भूख, और छोले देखो मेरे को ऐसे टिक नहीं जा पे, इस कम वक्त हो रहे थे मेरे बेलना मारा भी, कहाँ गए थे बेलना, अब कहाँ गए तुम्हारे बेलना? ओ कितनी सीधी बन के पास, मैं फटाफट बस पहले फोन निकाला, बेलना गायब, जैसे मेरा मारा कहीं मैं इकट्ठा काम करवा दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, इकट्ठी पूरी खिला दूंगी, बताओ मैंने इतने बेलना मारा इसने, ठीक है। हाँ मार मारना मार, अब देखो मारने आ रही थी, फिर वापस मारने आ रही थी, ठीक है तेरे ऐसे ही होना चाहिए। ले दांत निकाल, अब दांत निकालने लगे, अभी तक गुस्सा आ रहा, पता क्या कुछ नहीं, इसको ना सीटी मारना पसंद नहीं, मैंने सीटी मार दी, उसमें ये किलस जाती है, फिर मेरे को किलस आ रही, मैं किलस आता हूँ तो फिर इसका मुंह बन जाता है, फिर ये मेरा किलस सारा बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर इसका ऐसे ही शुरू। तो चलो वो गाय दिए, देखो चीकू, चीकू का खाना पानी चल रहा है, चीकू ये खाना पानी चल रहा है इसका, अभी ये सो यूल की अभी उठ गया, खाना पीना कर रही है, हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से, तो कभी ओ रहे तो मैंने दिया खाने, तो तभी उसने खाया, खा लिया उसको जितनी भूख थी। हाँ तुम दे दो, अब तुम खिलाओ ना, देखो कितना खाए। हेलो गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 9 और सॉरी मैं इतने घंटे बाद आ रहा हूँ, क्योंकि दिवाली की आज परचेजिंग रहती थी थोड़ी सी, और वैसे भी मैं काम पे चला गया क्योंकि आज मेरे को काम करना ही था, कल से तो फिर छुट्टी हो जाएगी वैसे भी,
और हम अभी आए जो सामान लेना था सारा, बस भैया के व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, तो इसलिए बनाया नहीं हमने व्लॉग। तो घर आके अभी मैंने चार्ज लगाया है, ये अभी आए हैं। ओए ओए ओए, ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो इसकी हरकतें, ओए आग लग जाएगी तेरे मुंह पे। अभी गाइस हम बस पूजा करके ऐसे यहाँ धनतेरस थी, तो देखो हमने पूजा करके आज बस अभी दिए लगाए हैं, दिया बाती करी है, और आपको बालकनी दिखाते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बालकनी। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? ये देखो गाइस हमने भी लाइटें लगा ली, हमारी गली देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है, देखो। कितनी अच्छी लग रही है ना गली गाइस। एक पता है दिवाली ऐसा फेस्टिवल होता है कि जिसमें पूरा शहर का पूरा इंडिया जगमगाता है। एक दिवाली मेरे को मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल बोल सकते हो, है ना? वैसे सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है दिवाली, है ना? कैसे बात बासी ले रहे थे मुंह खोल के पूरा। ये के पास दे, इसको गरम गरम लगा, पीछे से पीछे बैक गियर मार के मुड़ गई। ये मेरा क्यूटी भाई है, मेरा क्यूटी भाई है, मेरा क्यूटी भाई है। जा जा गाइस देखना, गाइस देखना, जाओ ना गाइस, इसका बैक गियर देखना, बैक गियर देखना, बैक गियर नहीं डाला ना, बैक गियर डालती है वो। देखो गाइस देखो 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 देखो, इतनी तेज पीछे तक बैक गियर मारा है गाइस। हम थोड़ा सा छत पे जा रहे हैं, छत पे देख के आते हैं, रौनक मेला देख के आते हैं। देखो अंदर भी जा रही, चीकू आ जा, चलो चलो चले यहाँ छत पे। तो गाइस लो हम छत वत से तो होके आ गए थे कब से, मैं कहा चलो मार्केट चले हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे घूमने और थोड़ा सा सामान भी लेना था कल दिवाली के लिए। तो हम रात को आगे, देखो रात को 10:30 बजे बज रहे हैं, और देख रहे हो हाल क्या हो रहा है रोड का, देख रहे हो कितना जाम हो रहा है भाई, निकलने की जगह नहीं, पूरे रोड पे जाम ही जाम हो रहा है।